नमस्कार, योगेंद्र वर्मा। आज हम लोग सीखेंगे स्टार एटम से पॉलिसी कैसे लॉगिन करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान से देखनी होती है। एक एक चीज़ मैं स्टार एटम पर क्लिक कर रहा हूँ कि मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही स्क्रीन निकल के आ गई। इसमें मेरा ऑलरेडी आईडी पासवर्ड इसमें लॉगिन है, एजेंट का नाम इसमें आ रहा है। इसमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहले दिखाई देगा क्रिएट पॉलिसी और पेमेंट लिंक। अगर मैं क्रिएट पॉलिसी पर जाता हूँ तो क्या होगा और पेमेंट लिंक पे जाएंगे तो क्या होगा, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले पेमेंट लिंक पे जाते हैं। अगर पेमेंट लिंक के ऑप्शन में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन को आपने जब यूज़ करना है जब ऑफलाइन पेमेंट लिंक भेजना हो। ध्यान से समझिएगा, ऑफलाइन पेमेंट लिंक भेजना हो जब किसी कस्टमर की पॉलिसी आपने पोर्ट करनी होगी तभी ये पेमेंट लिंक आप भेजेंगे। इससे पहले इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसमें कस्टमर का नाम डालेंगे, फॉर एग्जांपल कस्टमर का नाम योगेंद्र वर्मा है, ये नाम पंच कर दिया। इसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मेरी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च है 1978 फॉर एग्जांपल, मैंने ये फीड किया 1978 31 मार्च और ये डेट ऑफ बर्थ चली गई। मेरी मेल आईडी फॉर एग्जांपल ये मेरी मेल आईडी है, मैंने मेल आईडी डाल दी। ये मेरा मोबाइल है, घर का एड्रेस है D359। ये बेसिक डिटेल आपने लेनी है। मेरा पिन कोड है, स्टेट दिल्ली है, ओके। और ये मोबाइल नंबर, फाइनली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। ये दो चार चीज़ें ही आपको कस्टमर से लेनी है। कितने लाख का प्रीमियम भेजना है, प्रोडक्ट कौन सा है इस पर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम है जो उनको कन्वर्ट करना है, और एल्डर एज सेम है जो प्रपोजर की है 31 मार्च 1978, मैं ही प्रपोजर हूँ तो प्रपोजर की डिटेल इसमें डालनी पड़ती है। और ये 31 मार्च सेलेक्ट हो गया। कितने लोगों की पॉलिसी है, टू एडल्ट टू चाइल्ड की मान लीजिए पॉलिसी है और सम इंश्योर 10 लाख का दे रहे हैं, और कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट करते ही ये प्रीमियम आ जाएगा 23,807 रुपये, 23,807। यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा रहा है ईमेल पेमेंट लिंक, इस ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से। इस ऑप्शन पे ही क्लिक करते ही ये पेमेंट लिंक कस्टमर को चला जाएगा जैसे ही हम पोर्टेबिलिटी करेंगे, ठीक है। पोर्टेबिलिटी के लिए ये पेमेंट लिंक कस्टमर को जाएगा, जैसे ये मैं भेज देता हूँ और ये पेमेंट लिंक चला गया। दोस्तों ये पेमेंट लिंक जाने के बाद कस्टमर के पास कैसा दिखेगा इंटरफेस वो भी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब मैं अपनी मेल खोल रहा हूँ। अभी मेल आई नहीं है, ये स्टार हेल्थ की इस तरह की मेल आएगी। दोस्तों ये दिखाया आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ पेमेंट विंडो खुलेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐसा ही इंटरफेस कस्टमर के पास जाएगा। ये एजेंट का नाम जाएगा विशाल, ये आप कस्टमर का मोबाइल नंबर जाएगा और यहाँ नीचे दिखाई देगा ये लिखा ना क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ये क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जैसे ही कस्टमर क्लिक करेगा, जस्ट लाइक ऐसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करते ही पेमेंट विंडो खुल जाएगा। ये सारी डिटेल जो हमने भरी थी उसको नज़र आएगा। वो चाहे तो इसमें करेक्शन भी कर सकता है, मॉडिफिकेशन कुछ डेट ऑफ बर्थ में, फैमिली में, प्रीमियम में, कुछ ना कुछ करना चाहेगा तो कर सकता है, फैमिली डिटेल्स में करना चाहेगा तो कर सकता है, और सिर्फ यहाँ से पेमेंट करेगा। फैमिली मेम्बर्स की डिटेल नहीं पंच कर सकता वो, ओनली कितने फैमिली मेम्बर हैं उनको चेंज कर सकता है। नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी करेक्शन उसको रिक्वायर्ड है तो यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, वो कर सकता है और सीधा मेक पेमेंट करेगा तो यहाँ से उसकी पेमेंट हो जाएगी। पहले उसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट होते ही मेक पेमेंट करेगा। मेक पेमेंट करते ही ये कार्ड का ऑप्शन खुल गया। अगर उसने कार्ड से पेमेंट करनी है, कार्ड से नहीं करनी, तो ये सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट, ईएमआई, किसी भी ऑप्शन में जा सकता है। ईएमआई क्रेडिट कार्ड से ही होगी और उसका इंटरेस्ट उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं नेट बैंकिंग करता हूँ तो नेट बैंकिंग में मैं बैंक चूज़ कर सकता हूँ, जिस बैंक से मेरा अकाउंट है वो डिटेल डालूंगा। अपनी डिटेल पंच करने के बाद कस्टमर के पास ओटीपी जब तक नहीं जाएगा, पेमेंट नहीं होगी, ओटीपी डालने के बाद ही वो पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों समझ पा रहे हैं यहाँ तक?
धन्यवाद।